की वीडियो बहुत ही खास है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि M4 वर्सेस शॉटगन। आई होप आप सबने चलाई होगी शॉटगन, जो हमें लिविक में मिलती है, जो कि बहुत ही ओपी है। और मैं हमेशा अपने साथ M4 का कॉम्बो जो है मेरा, वो शॉटगन का ही होता है। पर इस टाइम मेरे एनिमी के पास, सामने वाले के पास शॉटगन थी, जिसने मेरे दो टीममेट्स उड़ा दिए थे। पर किसी तरह जिगल देखे, मैं उसके पूरे छः से सात शॉटगन्स के शॉट्स मिस किए उसने, और मैं जीत पाया। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस मोमेंट से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे M4 मिल गई, उतरते ही मैं बहुत खुश मिलेगा लगा, चलो सामने बंदे खुल मिलेंगे। तभी क्या हुआ, ये देखिए, ये मेरे iPhone XR हमेशा 4 से 5 सेकेंड के लिए फंसा जाता है, पता नहीं क्यों। इसके लिए मैं बहुत बार मर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, बाद में देखते हैं इनको, पहले देखते हैं कि हेल्प और वेस्ट देते हैं। तो मैंने सोचा एक बार फिर देख लेते हैं, पर नहीं, मैंने कहा अगर एक भी बुलेट पड़ी तो काम तमाम है। तो मैं अभी आप सबको एक यही एडवाइस दूंगा कि हमेशा कोशिश करें कि फाइट अगर आपने लेनी है, आपने ऐसी जगह से पिक करना है जहाँ से सामने वाला एनिमी अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ आप वहीं से पिक करेंगे। तो वहाँ से अगर आप पिक करोगे तो आपका सिर्फ क्या बाहर आएगा, सिर्फ आपका हेड। हाँ सही वो समझ रहे, हेड बाहर आएगा और कुछ नहीं। अगर आपका हेड बाहर आएगा और आपको एक बुलेट हेड ही पड़ेगी और आपके पास ना हेलमेट होगा ना वेस्ट, सीधा नॉक। अगर सामने वाली अच्छी टीम होगी तो वो ये नहीं देखेगी कि आप कितने हैं, वो एक नॉक देखेगी और वो घुस जाएगी। क्यों, सभी जिम करते हैं कि एक नॉक है तो एक रिवाइव कर रहा होगा, बच कितने, दो। इवन अगर वो एट ए टाइम रिवाइव हो भी जाता है तो उसे हील लगाने में भी टाइम लगेगा, 5 से 6 से 7 जो भी सेकेंड लगते हैं उतने सेकेंड लगेंगे। उसके बाद वो आराम से आपको टेक डाउन कर लेंगे। तो चलो बात करते हैं आज की गेम की। तो मैं वेस्ट ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे से वेस्ट नहीं थी, तभी ये बोट ही है। मैंने कहा चलो केड़ी बढ़ा लेते थोड़ी सी, केड़ी वैसे भी बहुत गिरती है। जब भी मैं अपने टीम्स के साथ खेलता हूँ मेरी केड़ी गिरती, तो जब भी मैं रैंडम खेलता हूँ तो केड़ी ऊपर जाती है, मुझे नहीं पता क्यों। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से वेस्ट ढूंढते हैं, वेस्ट ढूंढते ढूंढते मैंने पूरा ढूंढा, मेरे को वेस्ट नहीं मिली। तभी मैं देख रहा था कि मेरा टीममेट पहले ही फाइट कर रहा है, और वो किससे फाइट कर रहा है, सामने वाली घर के विंडो पे एक बंदा खड़ा है और वो नीचे खड़ा होकर उस पर पीक करके उसको मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बोट मार रहा, बोट मार गया। तो मुझे नहीं पता लिविक मैप में इतने बोट मिलते हैं ना, अगर आप 4 टीममेट और अलग अलग उतरते हैं ना, आप सबके कम से कम 4 से 6 किल सबके आराम से हो जाएंगे, इतने बोट आते हैं। और मुझे नहीं पता फिर बंदे कितने आते हैं लिविक में। चलो एनीवे, पर जो बंदे आते हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, उनसे फाइट लेने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ से देख रहा था कि चलो यहाँ से छोटी सी विंडो से एंगल देख देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पर बंदों ने लैंड किया था, पर वहाँ कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बोट आया था, मेरे को हेडफोन से पता लग गया था, पर मैं देख नहीं गया था, पहले ही मेरे टीममेट ने मार दिया। तो मैं यहाँ से एक एंगल लेने की सोच रहा था, और मैं हमेशा सबको एडवाइस करूँगा, कोशिश करना कि ऐसे जो होल्स होते हैं घरों में वहाँ से एंगल ले। क्यों, यहाँ से आपको बहुत एडवांटेज होते हैं, क्योंकि कोई अज्यूम नहीं करेगा कि आप इतनी जल्दी स्पॉट भी नहीं होंगे जब तक आप फायर नहीं करोगे। तो मैंने देखा यहाँ से कोई नहीं दिख रहा, मैंने कहा चलो ठीक है, देखे कर ही राउंड ले लेते हैं, आगे चलते हैं, कि हमारे टीममेट्स लड़का आ रहे हैं। मैंने देखे बुलेट्स के साइन आ रहे हैं, तो देखा भाई 4 नंबर भाई भाग रहे हैं कि हाँ भाई हम कुछ करेंगे, ये जा रहे हैं। मैं इधर देख रहा हूँ भाई क्या बात है, ये दोनों धड़ाधड़ चली जा रहे हैं, वहाँ फाइट हो रही है, ये दो उधर, और मैं पता नहीं कहीं और ही देख रहा हूँ। चलो भाई चलते हैं। इस मोमेंट पर देखिए ये जनाब जो यहाँ से खड़े होकर ऊपर वाले पे पीक ले रहे हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, उस पर पीक ले रहे हैं यहाँ से। और कसम से ये जो बनी वाला पहना है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस पर बहुत अच्छे हेडशॉट्स कनेक्ट होते हैं। अभी देखना, तो वक्त आ गया है कि जिस मोमेंट का आप सभी वेट कर रहे हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे M4 वर्सेस शॉटगन में M4 की जीत हुई। और यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, हम फिर
लाइक और कमेंट सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता है, आप खुद बोलो। अगर आपको ये मोमेंट देख के लगता है कि हाँ भाई बनता है, कम से कम कर दो इस मोमेंट को देख के सब्सक्राइब कर दो। सामने वाले ने कम से कम 5 से 6 शॉटगन की बुलेट चलाई, एक भी कनेक्ट नहीं हुई, एक भी नहीं कनेक्ट हुई। मुझे नहीं पता या उसका एम ख़राब था क्योंकि उसने मेरे पहले 2 टीममेट्स को नॉक किया, तो ये मैं मानता हूँ वो बंदा मतलब जिसके हाथ में शॉटगन है ना वो और कैंपर दोनों एक जैसे है, उसने एक मारनी है आपके सभी मूवमेंट चूर चूर हो जाने, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या हुआ, खुद ही नॉक होते ही सीधा लॉबी में जाओगे। तो सब्सक्राइब कर दो, न्यू चैनल है प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है। मुझे सभी यूट्यूबर को मैं देखता हूँ कि भाई कितनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो को एडिट करना कोई आसान बात नहीं है, और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी गेम। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ देखते हो कि भाई हाँ भाई कुछ मूव्स बताना चाहते हो कि जो मैं अपनी गेम में ऐड करूँ, कमेंट ज़रूर करना। तो इस वीडियो में चिकन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं तो कसम से जैसे मैं इस गेम में मरा हूँ आप सीखोगे कुछ इससे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा टीममेट किसी से लड़ रहा है, तो मैंने स्पॉट करने की कोशिश की भाई एनिमी कहाँ है, और जितना मेरे को पता जब तक जिसको आप देख नहीं सकते ना आप उसको मार नहीं सकते, तो अच्छा होगा ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर उसे आपकी लोकेशन पता है कोशिश करें कि वो आप पे फायर करे ताकि आपको उसकी लोकेशन पता लगे, पर कई बार ऐसा होता है कि वो आप पे फायर करता है आपको तब भी नहीं दिखता है। तो मैं देख रहा था भाई ये भी 2 नंबर क्या किससे लड़ रहा है, तो मैंने कहा चलो तब तक कहीं कोल्ड ड्रिंक को जब देखते हैं तो स्पॉट करने की कोशिश करते, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा था। होता है कई बार कुछ मर जाती है हमें नहीं दिखता, पर तभी देखा कि भाई मेरे बंदे को नॉक करके एक बंदे ने फिनिश ही कर दिया। कसम से ये जो डीपीपी होती है ना इतनी 47 गोली, बंदा पहले 10-15 बुलेट में बंदे को नॉक करता है और बाद की 10-15 बुलेट में उसे ख़त्म कर देता है, वो ये भी नहीं देखता कि वो स्पॉट हो चुका है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डीपी चला रहे हो ना तो एक बंदे को नॉक करो, नॉक के बाद कवर में चल जाओ। मैं तो बस इतना कहूँगा चलो ये कवर में जाने के बाद दूसरे को ढूंढो कि दूसरा कहाँ है उसका टीममेट, क्योंकि चलो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब काफ़ी अच्छे कप लगे थे, तो मैंने दिया इनको थोड़ा सा M4 का लेट के स्प्रे जो कि बड़ा मक्खन जैसा होता है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक बंदे को नॉक करते हैं तो कोशिश करो उसी वक्त फायरिंग रोक के हाइड हो जाओ और लोकेशन चेंज कर लो। इससे आपको क्या एडवांटेज होगा, जो सामने वाला एनिमी होगा वो जो आपको एनिमीज हेड मार्क लगा चुका होगा अपने टीममेट्स के लिए कि वहाँ से फायरिंग आई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके पड़ती है ना उसको पता होता है कहाँ से पड़ी है। लोकेशन चेंज कर लो और अपना फायरिंग बंद कर दो, क्योंकि आपकी जो लाइट से जलती है ना आपके बुलेट से जब फायरिंग करते हो तो वो दिख जाती है, और आप एक मार के खुश हो जाते हो और उनके टीममेट आपको मार जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपने एक मारा आप मर गए, क्या स्किल इम्प्रूव होगी, कोई कुछ इम्प्रूव नहीं होगा आपका, बस एक किल लेके आप आ जाओगे और फिर एक KD रह जाएगी। बात वैसे भी KD की नहीं है, पर फिर भी अगर आप गेम इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये सारी गेम अब कैसे सेंस करती हो। तो ये देखो जी अपने सलमान भाई, तो ये भाई साहब जी आए, मैंने कहा ये उतरेंगे यहाँ से, ये उतरेंगे वहाँ से, ये उतरेंगे, ये भाई साहब मुझे उतरे नहीं, मैं कहा भाई गाड़ी, और जब ये उतरे तो भाई शुक्र है वीडियो सब कनेक्ट हुई, इसको अच्छी बुलेट कनेक्ट होगी तो ये नॉक हो गया। फिनिश करने के बाद शॉटगन का लगता है सेटिस्फैक्शन, शॉटगन की जब एक बुलेट लगती है सामने वाला या ख़त्म होता है, फिनिश होता है, नॉक होता है, सो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। और मैं हमेशा M4 और शॉटगन का कम आप रखता हूँ, क्यों रखता हूँ इसकी एक वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा एक दिन, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे टीम में सब मर चुके थे, सिर्फ मैं अकेला बचा था लास्ट में, और एक पूरी फुल स्क्वाड थी, हर एक और इंडिविजुअल था, टोटल 6 पीपल अलाइव थे। उस शॉटगन से मैंने 3 बंदे नॉक कर दिए थे, बट लास्ट वाले पे मैं नर्वस हो गया, माइक मेरा चल रहा था, टीम मेरे को देख रही थी, और वैसे मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं अकेला रह जाता हूँ मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, अपना टीम की भी नहीं सुनता हूँ, मैं खुद देखता हूँ क्या करना है, सेंस करता हूँ
थोड़ा सा आईक्यू लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नर्वस ना हो, क्योंकि जहाँ पे आप नर्वस हो गए अब वहीं पे गेम हार गए। मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ पर करना बहुत मुश्किल है, मैं खुद बहुत बड़ी नर्वस हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ सामने वाला प्रो है और मेरे को इतने मोमेंट्स भी नहीं आते कि मैं सामने को मार पाऊँ, पर मेरे को इतना पता है मेरे हाथ में शॉटगन है, सामने जितना मर्जी प्रो आ जाए मुझे उसके एक या दो शॉटगन कनेक्ट करनी है। एक अगर हेड हो गई तो ठीक है सीधा लॉबी, वो दो बॉडी हो गई तब भी सीधा लॉबी, वो चाहे मेरे हेड मारे चाहे मेरे बॉडी मारे, शॉटगन से ऊपर कोई गन नहीं। सामने वाला उजी भी लेके आएगा तो मैं कह सकता हूँ शॉटगन आराम से उसको गिरा देंगे, पर आपको हेडशॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करें, जितना हेडशॉट की आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा किल्स ले पाओगे, उतना ज़्यादा अपनी गेम इम्प्रूव कर पाओगे। जितने भी प्रो प्लेयर है वो क्या कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले का हेड कनेक्ट हो जाए, एक हेड कनेक्ट हो जाए बस, उसके बाद वो ये नहीं देखते कि कहाँ लग रही है, वो बस फायर करते जाते हैं करते जाते हैं। एक हेड से ही आपकी इतनी एच पी कम हो जाती है कि आप आराम से एक दो बॉडी के साथ आप नॉक हो जाते हो। तो प्रैक्टिस में जाइए, टी डी एम खेलिए, अपना क्रॉस एयर कोशिश करिए जितना ज़्यादा हेड पे मारने की कोशिश करें, हो सकता है सामने वाला मूवमेंट दे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बारी आपको होगा कि आप हेड कनेक्ट करके जीत पाओगे, आप आराम से जीत पाओगे अगर हेड कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं सांप बन गया क्योंकि 10 अलाइव है, मेरा एक टीममेट ऊपर है, मेरे को बस ये था कि कहीं से बुलेट आ जाए, मुझे डायरेक्शन पता लग जाए मेरे को जाना कहाँ है, क्योंकि लिविक मैप मैंने देखा है मेरे को कि अगर आप स्नेक बनते हो तो आप टॉप 10 तो आराम से चल जाते हो, बट गेम निकालना है तो मेरे को कहीं ना कहीं तो जाना है। पर मैं ऐसे भी मरना नहीं चाहता कि खुले ग्राउंड में जाके बस घूमते रहो और सीधा लॉबी, तो मैं तो देखना चाहता हूँ कहीं से कोई बुलेट का साइन आए मैप में और मैं उधर को मूव करूँ। मैंने टीममेट को देखा ये यहाँ पे इधर स्पॉट गया, यहाँ से कोई नहीं। तो हमेशा आप कहीं भी सोच रहे हो ना कि लेटना है तो आसपास देख लेना एक बारी, अपनी सराउंडिंग जरूर देख लेना कि कहीं कोई है तो नहीं, नहीं तो आप सीधा लॉबी जाओगे। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में नहीं देख पाओगे आपके आसपास क्या है, क्या घर है, पत्थर का इतनी दूर पे है, कवर कहाँ है, एनिमी कहाँ हो सकता है, ये आपको अज्यूम करना होगा। और कोशिश करें कि कम्युनिकेट करते रहिए अपने टीममेट्स के साथ कि भाई मैं आगे जा रहा हूँ, हमने आगे कहाँ जाना है, अगर क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन है ना आपकी टीम के साथ अच्छा तो आप बहुत आराम से चिकन कर सकते हो, क्योंकि स्क्वाड खेल रहे हो उसके अंदर सब कुछ कोऑर्डिनेशन का होता है कि क्या सब कोऑर्डिनेशन है। तो मैंने कहा चलो जोन में चलते हैं, कोई नहीं दिख रहा, कोई फायर नहीं कर रहा, मतलब बंदे या कैंपिंग कर रहे हैं या कुछ भी, वो कहीं या यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने देखा एक प्ले जोन से गया, दूसरा प्ले जोन से गया, तो मेरे को ऊपर से मार्क भी आ गया कि हाँ इधर से फायरिंग हो रही है, तो मैंने स्पॉट करने की कोशिश की। तभी क्या होता है भाई, नंबर 4 की लॉबी की जाने की बारी आ जाती है, यमराज जी आते हैं बिठाते हैं और ले जाते हैं। अभी थोड़ी देर में देखिए क्या होगा। लो जी ये गए लॉबी, इनको पहुंचा दिया लॉबी। अब मैंने कहा चलो अभी एक बंदा तो यहाँ पे है, मैं उसे ढूंढने के लिए गया, मैं कहा चलो बचा के देखते हैं, मैं कहा नहीं अगर ये बंदा हुआ स्नेक तो मुझे भी खा देगा, भाई लोहे को लोहा काटता है तो मैं बन गया स्नेक। अब मैं देखा है कहाँ पे, अब मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे मारा तो इधर ही कहीं होगा या पत्थर के पीछे या स्नेक, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेटर रहा उसको ढूंढने के लिए। तो जैसे वो मेरे को स्पॉट हुआ मैं कहा फायर करते हैं, और मैंने यहाँ गलती किया, मेरे को उसी टाइम फायर करना चाहिए था पर मैं नहीं किया। यहाँ पे बीच फाइट में गन पीछे कौन रखता है और गन कौन स्विच करता है, कसम से मैंने जैसे ही सोचा कि शॉटगन स्विच करता हूँ वो बंदे ने उसी टाइम फायर कर दिया। और मेरी गलती यहाँ पे क्या थी कि मुझे मैंने जिगल नहीं किया, मेरे को लेफ़्ट राइट करके जाना चाहिए था, मैं ज़्यादा सीधा गया और पहुँच गया लॉबी, वहीं से कैंपर जी बैठे ही थे वो भी गए लॉबी। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को और लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। थैंक यू।